पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राजधानी पटना में जल जमाव को लेके हो या फिर गंदगी को लेके हो, लगातार नगर निगम हो या फिर अन्य जो विभाग है उसके द्वारा नीतीश कुमार लगातार बैठक करते हैं और किस तरीके से पटना स्मार्ट हो उसको लेके भी लगातार बैठक होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पे हैं, ऐसे में जो राजधानी पटना है वो पूरी तरह से कचरों का अंबार लग चुका है। तस्वीरें में राजधानी पटना के मोया लॉक की ये तस्वीरें हैं, ये ऐसा इलाका है जहां पे गाड़ियों का परिचालन रोज होता है और काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये काफी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सभी दुकानें हैं, सभी तरीके के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। और एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक तरफ देखिए पूरा मोबाइल शॉप के दुकान है और आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से तमाम जो जगह है वो पूरी तरह से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, क्योंकि नगर निगम के जो सफाई कर्मी है वो पिछले 2-3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे चले गए हैं और उनका कहना है कि सामान्य काम का सामान्य वेतन मिलना चाहिए और उसको लेकर उनकी 15 सूत्री मांगे हैं। जिस तरीके से लगातार उनका कहना था कि हमारा जो वेतन है उसमें वृद्धि नहीं होती है और पैसा कम देता है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है और फिर 2-3 महीने काम करवा के हमें हटा दिया जाता है और हमें परमानेंट कर दिया जाए ताकि हम अपना गुजारा बता कर सकें। लेकिन लगातार नगर निगम उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी, उनकी जो समस्या थी उसको लेके जो नगर निगम है वो पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में जो नजारा है राजधानी पटना का वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से कचड़ों का अंबार लग चुका है, जगह जगह कचरा फैल चुका है। और ये सिर्फ पटना का मौर्य लोक का इलाका है जहाँ पे आप देख सकते हैं रोड पे ये जो मुख्य सड़क है ये आपको रोड सीधे बेली रोड बनेगा संगम मोड़ की तरफ जाएगा और इनकम टैक्स आगे है और ये पूरा आपको बोलूं तो बिजी रोड है और बिजी रोड में इस तरीके का कचरा कहीं ना कहीं ये जो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का जो बात कहा जाता है बिहार सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं पूरी तरह विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कचरा का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पे हैं, अब उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो कब तक वो हड़ताल पे रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी जो 15 सूत्री मांग है उसे पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। और हड़ताल पे रहने के बाद राजधानी पटना का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। आपको बता दूं कि बीते कुछ महीने पहले की भी बात है जब नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे चले गए थे और यही मौर्य लॉक है, यहीं पे वो धरने पे बैठ गए थे और तमाम जो कचरा है वो यहाँ पे लाके ढेर लगा दिए थे, क्योंकि उनका कहना था हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारे सामान्य काम का सामान्य वेतन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, ऐसे में हम कैसे अपना गुजारा करें। अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि नगर निगम के जो सफाई कर्मी है अब जब हड़ताल पे है 3-4 दिनों से और उनका कहना है कि हमारा जब तक जो मांग है जो 15 सूत्री मांग वो पूरी नहीं की जाती है जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। लेकिन उनके हड़ताल पे रहने से सबसे ज्यादा समस्या आम जनता को होती है, क्योंकि लगातार नगर निगम डोर टू डोर कचरा उठाता है और गाड़ियां चलती हैं तो ऐसे में सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, परिचालन जो नगर निगम के जो कचरा उठाने वाले जो वाहन है वो भी रोक दिए गए हैं और सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। अब देखने वाली बात है कि क्या नगर निगम उनकी मांगों को पूरा करता है या नहीं, या फिर वो हड़ताल पे ऐसे ही बने रहेंगे और राजधानी पटना में कचरों का अंबार लगा रहेगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।